ठीक है, वो क्या कर रहा है आपको करंट हर एक ब्रांच में निकालने के लिए, ठीक है ना, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ, वो एक रेसिस्टर इधर है, सेकेंड रेसिस्टर बाबू क्या है यहाँ पे है, और थर्ड रेसिस्टेंस बाबू क्या है यहाँ पे है ना। ये तीनों रेसिस्टेंस के एक टर्मिनल को बाबू एक जगह क्या किया गया, ला के ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये तीनों रेसिस्टर के बाबू एक टर्मिनल, यहाँ से टर्मिनल और यहाँ से टर्मिनल, तीनों को ट्विस्ट कर दो, और यहाँ से बाबू एक सेल से कनेक्ट कर दो। सर, हाँ बाबू, आप बोला था होमवर्क का सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्यूशन होमवर्क का कौन करवाएंगे से, अब होमवर्क का बाबू सर, नहीं बन रहा था जो। इसमें हाँ कौन सा नहीं बना है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर नहीं बना। आप देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं बनते ना, तो आप लोग अपने पहले ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए, किसी के पास बना है तो बना के भेज देगा, ठीक है ना। ऐसे मेरा सिलेबस बाकी फिर हम बताएंगे, किसी से नहीं बनेगा ना, तो बहुत सारे हमारे टैलेंट यहाँ पे स्टूडेंट है ना, सब पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो बता देंगे। अब इसको पहले खत्म कर लेते, उसको फिर बता देते, सेकंड नंबर लास्ट में टाइम बचेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता देंगे बाबू, बता देंगे, रोइए मत, बता देंगे। ये बाबू मान लो मेरा कितना 4 ओम का रेसिस्टर बाबू, ये मेरा कितना है 2 ओम का रेसिस्टर है, और ये मेरा बाबू कितना 1 ओम का रेसिस्टर है ना, ठीक है। अब बाबू ये मान लेते मेरा कितना है 12 वोल्ट की बैटरी है ना। तो यहाँ से कह रहा बाबू आई की वैल्यू निकालिए, आई की वैल्यू निकालिए, और यहाँ से देखिए ये करंट चला, करंट चला, करंट चला, करंट चला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया ना बाबू। हाँ सर, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ये लंबा करके बना देते ताकि आपको ज्यादा विजुलाइज हो सके, है ना। ठीक है, तो यहाँ से करंट चला बाबू, यहाँ करंट आया, यहाँ करंट आया, यहाँ आया। अब यहाँ से बाबू करंट के लिए 3 रास्ते अवेलेबल है, ठीक है ना, करंट मेरा तीनों रास्ते में जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ से बाबू करंट के लिए 3 पाथ अवेलेबल है, ठीक है ना, कैसे कैसे सर, एक पाथ इधर है करंट के लिए बाबू, एक पाथ इधर है, एक पाथ इधर है। तो मेरा एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया। तो यहाँ से बाबू इस ब्रांच में भी हमारे करंट जाएंगे, तो इसमें जो करंट जाएंगे मान लो यहाँ से जो भी करंट निकलेगा, मान लो 5 एम्पेयर का करंट निकला बाबू, तो कुछ इसमें भी जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा, सभी में जाएगा। तो इसमें जो करंट जाएगा बाबू, मान लो 1 एम्पेयर जाएगा, जाएगा चाहे 2 3 जाएगा, तो उसके कुछ वैल्यू होगा ना, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते इसमें मेरा I1 करंट गया, और इसमें बाबू मेरा मान लें I2 करंट गया, और इसमें बाबू मेरा क्या गया I3 करंट गया, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं। और यही आपको क्या निकालना बाबू, ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच हो गया, और यही आपको I1 I2 की वैल्यू निकालने, I1 I2 की क्या निकालने बाबू, वैल्यू निकालने, है ना, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब कैसे निकालेंगे, है ना, तो देखो जब ये 12 वोल्ट का सेल है, ये 12 वोल्ट की मेरी क्या है बाबू, एक सेल है, ठीक है ना। तो यहाँ 12 वोल्ट है बाबू, तो ये मेरा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा। हाँ एक बात और बता देते बाबू, करंट जब भी निकालना किसी भी बाबू, ये ध्यान देना सतीश बाबू, ठीक है ना, आप गलत कर दिया, करंट हमें तो हमेशा जो सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल है उसी से करंट बाहर निकालना, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर बाबू यहाँ से इसमें करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अगर इंसर्ट कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग का हाई लेवल पे फिर पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव का डाउट मन में उठेगा सर, पॉजिटिव से क्यों निकालेंगे, क्योंकि बाबू ये सेल्स है ना, तो ये सेल मेरा क्या करेगा, करंट देगा देगा देगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या काम करता है बाबू, ये सोर्स का काम करता है, ये मेरा क्या बाबू सोर्स, आगे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, या ये मेरा क्या है सप्लाई है, ठीक है। तो सप्लाई है बाबू, तो हमेशा सोर्स या इसको क्या कर सकते, सप्लाई कर सकते थे। तो इस केस में बाबू ये मेरा क्या करेगा, हमेशा करंट जो निकालना बाबू, करंट जो हमेशा एरो जो देना पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकालना। तो ये मेरा पॉजिटिव है, इसी डायरेक्शन से हम लोग क्या निकालना है, करंट निकालना है ना, करंट के निकालना, ठीक है ना। ऐसे मत कर देना पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव करंट इंटर मत कर देना, ठीक है ना, नहीं तो ये बैटरी फिर आपको क्या होगा चार्ज हो जाएगा, ये बैटरी चार्ज होगा, ठीक है ना। तो उल्टा मत कर देना, करंट यहाँ से निकाल रहा बाबू तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा, अगर इसमें करंट उल्टा कर दोगे तो बैटरी फिर चार्जिंग का कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना, फिर हायर क्लासेस में आप लोग को पढ़ना है। तो आप ख्याल इतना ही ध्यान रखो बाबू, जब भी करंट निकालोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकालना है ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बाबू क्या करा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में कितना जाएगा, और इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, वो आपको निकालने का रहा है ना। तो वही लिखा बाबू, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, है ना। तो देखो कैसे निकालोगे, हाँ ठीक है, चलिए। अब बाबू देखो ये मेरा 12 वोल्ट का सेल है, तो ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है बाबू, यहाँ पे कहीं कोई कहीं रेसिस्टर, यहाँ पे कहीं यहाँ से यहाँ तक बाबू पॉइंट ए ये से बी के बीच में कहीं कुछ रेसिस्टेंस नहीं ना है। ये मेरा पॉइंट कितना हो गया बाबू, ए हो गया, और ये टर्मिनल आपका कौन सा हो गया, बी हो गया।
तो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है बाबू, ये क्या होगा, ये 12 वोल्ट मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। देखो बाबू, अगर इस तरह से एक हम एक इस तरह से एक सर्किट बनाते हैं, बेसिक सा सर्किट बनाते हैं, है ना, ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा देते हैं बाबू, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी जाएगा कहाँ, वोल्टेज ये कहाँ जाएगा बाबू, तो ये जो रेसिस्टेंस है, इसी रेसिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस 12 वोल्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा सर? अरे बाबू मेरे, ये प्लस है, ये माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा वायर है, ये सिंपल सा वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग आइडियली केस में क्या करते हैं बाबू, वायर की रेसिस्टेंस जीरो ले लेते हैं, तो ये जो 12 वोल्ट है बाबू कहाँ खत्म होगा, कहाँ यूज होगा, ये बाबू इस रेसिस्टर के अक्रॉस, इस रेसिस्टर के अक्रॉस यूज होगा, ठीक है ना। मतलब जो वोल्टेज यहाँ रहेगा बाबू, वही वोल्टेज ये रेसिस्टर का जो टर्मिनल है ना, वहां पे डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, वहां पे क्या आ जाता है बाबू, आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे इसी में मान लो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहता, सीरीज कॉम्बिनेशन करवाए ना, जैसे एक रेसिस्टर और रहता, ठीक है, तो ये 12 वोल्ट कहाँ जाएगा, तो ये टर्मिनल यहाँ से, ये देखो ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, यहाँ, तो ये जो 12 वोल्ट है बाबू, ये दोनों रेसिस्टर के बीच में मेरा यूज होगा, दोनों रेसिस्टर के बीच ड्रॉप होगा, है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये तो सीरीज की बात थी। तो अगर बाबू इसी में बाबू मेरे ये तो छोटी छोटी बातें एकदम शांति से पढ़ना, ठीक है ना, शांति से सुनना है, मॉर्निंग का समय बाबू, है ना, ठीक है ना, कंसेप्चुअल चीज है। आप अपने बेसमेंट से जाते हैं ना स्कूल में, पूछिएगा, नहीं बता पाएगा कोई, कोई नहीं बताएगा बाबू, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट कहाँ जाएगा, इस रेसिस्टर के अक्रॉस डेवलप होगा, है ना, ठीक है सर। तो इसी में बाबू अगर एक रेसिस्टर और जोड़ दें, एक रेसिस्टर और जोड़ दें बाबू, एक रेसिस्टर और जोड़ दें, एक सर वीडियो ऑफ हो गया, चलिए बाबू ये अपडेट, हाँ बाबू वीडियो तो ऑफ हो गया, चलिए ठीक है, अब ठीक है ना। तो चलिए अब बाबू ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है बाबू, पहले ये रेसिस्टर के क्रॉस हो रहा था, तो ये जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा ना बाबू, तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ये बैटरी है 12 वोल्ट की जो सेल है, 12 वोल्ट की जो सेल है बाबू, हमेशा यहाँ से इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये टर्मिनल पर ज्वाइंट हो रहा, यहाँ से इसको आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ये टर्मिनल पर ज्वाइंट हो, मतलब ये जो 12 वोल्ट है बाबू, ये मेरा इसके बीच आ जाएगा, ये दोनों रेसिस्टर के बीच में आ जाएगा, मैंने एक इस टर्मिनल पर, एक इस टर्मिनल पर। क्यों ये पॉइंट बता रहे हैं सर, बता रहे हैं इसका यूज है बाबू, इसीलिए हम बता रहे हैं ना, ठीक है। तो आपके आपको क्या करना है बाबू, पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, ये 12 वोल्ट है तो इसमें टोटल कितना करंट जा रहा है, वो पहले आपको निकालना पड़ेगा, टोटल कितना करंट जाएगा बाबू, वो आपको निकालना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, है ना। तो पहले बाबू करंट निकालिए, तो करंट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाबू मेरे, ठीक है ना, क्या करना, जो कल हम स्टेप्स बताए ना बाबू, कल क्वेश्चन जो बताए हैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप आ हो जाएगा, जो कल हम बेसिक क्वेश्चन बताए, ठीक है ना, तो उसी तरह से सॉल्व करना है ना, उसी में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो पहले ये तीनों रेसिस्टर का क्या निकाल दो बाबू, इक्विवेलेंट निकाल दो, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्यूशन करना चाहें, एकदम शांति से सुनिए, एकदम लिखे उखे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले बाबू ये तीनों रेसिस्टर का क्या निकाल दें, इक्विवेलेंट निकाल देंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट कितना होगा, आर ए बी होगा, यही होगा ना बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर ए बी होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस बाबू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। अब इसका बाबू आप लोग एलसीएम तो जानते हो ना, ये सब तो बेसिक चीज है, ये सब तो हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालिए, 4/2 का एलसीएम बाबू 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 2 हो जाएगा ना, 2 है 4 है, ठीक है ना, 4 × 2 = 6 × 7 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। तो ये 7/4 क्या है बाबू, ओम है ना, ओम है, ध्यान देना, ये ओम है, ये भी बाबू आपका यूनिट किस में, ओम में। मतलब क्या, ये आर ए बी आया बाबू इतना, हमको क्या निकालना, ये 1/RAB आया बाबू, हमको आर ए बी निकालना रहता, तो इसलिए बाबू सो आर ए बी कितना होगा, इसको उलट दो तो 4/7 हो जाएगा, ओम हो जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू ये तीनों रेसिस्टर को हटाओ और एक रेसिस्टर लाओ बाबू 4/7 ओम का वैल्यू का, ठीक है ना, 4/7 ओम के वैल्यू का रेसिस्टर लगा, जो काम बाबू ये तीनों रेसिस्टर मिलकर कर रहा था वही काम मेरा ये करेगा, है ना। आपको कितना अच्छा एग्जांपल दिया था, मान लो 5 रुपीज का 10 कॉइन है तो टोटल 50 रुपीज हो गया, तो जो वो 5 रुपीज की 5 और 10 कॉइन काम करेगा वही आपका 50 रुपया का नोट काम करेगा। तो वही प्रकार बाबू ये जो मेरा काम करेगा, ये तीनों रेसिस्टर का सेम ही आया ना, तो ये तीनों के बदले हम लोग एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रेसिस्टर को हटाएंगे तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर कौन सा बनेगा बाबू, मेरा सर्किट डायग्राम फर्दर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। और ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया कि नहीं,
पॉजिटिव, ये जो बैटरी है बाबू, ये तीनों का रेसिस्टर को हटा दी, ये तीनों रेसिस्टेंस को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तीनों के बदले बाबू एक हमने रेसिस्टर का इतना लिया, इतना 4/7 ओम का लिया, कितना लिया बाबू 4/7 ओम का एक रेसिस्टर लिया, और ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब यहाँ से बाबू पहले आप आई की वैल्यू निकाले, यहाँ से करंट जाएगा ना पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हो ना, है ना। तो आई की वैल्यू बाबू हमने ओम ला आपको बताया है, ठीक है ना। तो आई बराबर कितना होगा बाबू मेरे, वी बाई आर होगा, ठीक है। वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वी की वैल्यू कितनी है 12 है, आर की वैल्यू कितनी बाबू 4/7 है, 4/7 है ना, ठीक है 4/7 ना, समझना है, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है ना मैडम। आई सब अपने स्कूल में जाकर अपने फ्रेंड सबको पढ़ाइए कि देखो हम पढ़ लिए, 4 हो गया बाबू, 12/4 हो गया, आई 7 क्या जाएगा ऊपर में जाएगा, इसको 3 times क्या कीजिए बाबू, कट कीजिए तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। आई है ना बाबू 21 क्या आएगा, आई का यूनिट क्या होता है एम्पेयर होता है, तो 21 क्या आ जाएगा एम्पेयर आ जाएगा। एम्पेयर को बाबू कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, नहीं तो आप लोग पूरे भी लिख सकते हो AMPER, तो इतना एम्पेयर करेंट है। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू यहाँ आई की वैल्यू मेरा कितना हो गया 21 एम्पेयर का करेंट चला, ठीक है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है बाबू, अब इस सर्किट डायग्राम में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, दोनों सेम ही है ना, ठीक है ठीक है। तो पहले आप लोग इतना लिखिए है ना, इतना लिखिए बाबू, यहाँ तक लिखिए अच्छे से सुंदर से रफ में, थोड़ा जल्दी लिखिए। आप लोग लेट क्यों आते बाबू, सारे के सारे स्टूडेंट, रिस्का बाबू उठ गई, चलो आज तो उठ गई, 2 दिन से परेशान की हुई थी, आज सुन रही है, बोलिए बाबू रिस्का। सर नेट खत्म हो गया था, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, मॉर्निंग में नेट कैसे खत्म हो जाएगा बाबू। सर नेट मतलब अभी रिचार्ज भी पूरा खत्म हो गया था, तो पापा अभी जाकर रिचार्ज किए हैं, 2 दिन से खत्म हुआ हुआ था बाबू, तो मम्मी कह रही नहीं नहीं कोई हुई। आज ही खत्म हुआ था आज ही। अच्छा तो ठीक, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, कल 2 दिन से आप नहीं सुन रहे थे सर, हम लेट से सोए हुए थे। जल्दी से लिखिए सर, हम पक्का टाइम पर आएंगे, ये कल दादी परेशान कर दी ना, तो हम पक्का रोज टाइम पर आएंगे। चलिए अच्छी बात है बाबू, आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए कृपया करके, डेली डेली इनको अटेंडेंस फिर काट देंगे, ऐसा इसलिए ना बाबू कि हमको पता नहीं ना चल पाता। देखो प्रकाश बाबू को देखिए तो वीडियो ऑन रखता है, लेट से आए बाबू, प्रकाश बाबू सोए हुए थे आप भी, ये तो सुबह में होमवर्क ही मांग रहा था। नो सर बाबू, तो आप लोग देखिए ये जो ग्रुप है ना बाबू, आप लोग एक परिवार की तरह हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वहाँ कोई हेल्प मांगता तो कर दिया कीजिए, है ना, किसी के पास होमवर्क, हम होमवर्क तो लिखते नहीं ना पर्सनली, मेरे पास तो रहता नहीं नोट्स में, तो कोई होमवर्क हम सेंड कर दिए थे। हाँ नंदिनी बाबू आप कर दिए थे, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, ऐसा कोऑपरेटिव होना चाहिए बाबू, है ना, कोई मांगता कर दीजिए, किसी कारण बस नहीं लिख पाते हैं। तो शिवांगी आपको स्पेशल कहना पड़ेगा बाबू, आप भी वीडियो ऑन कीजिए। चलिए अब हम इरेज कर रहे हैं बाबू, लिख लिया अन्यसा बाबू। हाँ चलिए अन्यसा लिख ली, तो सब लिख लिया, ठीक है। डायग्राम बाबू, डायग्राम भी बनाना है, ऐसा नहीं करना कि डायग्राम नहीं बनाना है ना। तो ये मेरा अभी आंसर आया बाबू, अभी नहीं ना आया है, हमको हर एक ब्रांच में करंट निकालना, अभी तो हमने टोटल करंट निकाला है ना। चलिए देखिए, तो मेरा यहाँ से बाबू कितना चला, 21 एम्पियर का करंट चला। तो ये डायग्राम में कोई अंतर नहीं, बोथ डायग्राम आर सेम बाबू। तो ये आई की वैल्यू कितना हो गया 21 एम्पियर, 21 एम्पियर हो गया बाबू, है ना। अब बताओ बाबू, यहाँ से 21 चला यहाँ पे आया, तो यहाँ बाबू ये कितना आ गया, 21 एम्पियर आ गया, है ना, 21 एम्पियर आ गया कि नहीं। हाँ सर ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू कितना आ गया बाबू, 21 एम्पियर आ गया, है ना। अब बाबू यहाँ 21 एम्पियर बाबू, तो ये बंटवारा होगा, जैसे बाबू अगर मान लीजिए घर में 3 भाई हैं बाबू, 3 ब्रदर्स हैं, तो बाद में जैसे उम्र होता है या मैरिज उरिज हो जाता है, तो उसका संपत्ति का क्या करता, बंटवारा करता। तो यहाँ बाबू इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा बाबू, यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लो तीन भाई बाबू, है ना, तीनों का तीनों क्या है, एकदम शैतान है, पूरे बदमाश है, तो जिसके पास ज्यादा शक्ति रहेगा बाबू वो क्या करेगा, ज्यादा संपत्ति को छीनेगा, है ना, ज्यादा
वेल्थ को छीनेगा, जिसके पास कम शक्ति रहेगा, जो बेचारा गरीब दुखिया रहेगा, एकदम सीधा साधा भोला भाला रहेगा मेरे जैसा, तो क्या करेगा, कम संपत्ति लेगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी होता बाबू, जिसमें रेसिस्टेंस अगर कम है तो यहाँ उल्टा हो जाता, उसमें करंट मेरा क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा, है ना। ठीक है ना। देखिए अब बाबू यहाँ पे मेरा कितना आया, यहाँ पे बाबू आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू कितना आया, 21 एम्पेयर का करंट आया, यहाँ से मेरा करंट चला 21 एम्पेयर, है ना। तो इस पॉइंट पे अभी कुछ करंट इधर भी जाएंगे, कुछ करंट इधर भी जाएंगे, कुछ करंट इधर भी जाएंगे, है ना। ठीक है, तो 21 में अब बंटवारा होगा वो कि किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, ठीक है ना, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालना। ठीक है, यहाँ का रेसिस्टेंस पता है बाबू, यहाँ का रेसिस्टेंस पता है ना, और यहाँ इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मेरा कितना आएगा, तो जो सेल का वोल्टेज होगा ये 12 वोल्ट है बाबू, तो ये वोल्टेज वोल्टेज देखो कहीं रेसिस्टेंस नहीं ना है, तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे बाबू वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो यहाँ वोल्टेज है, ठीक है ना, जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज को हम लोग जनरली दूसरा डिफाइन क्या कर देते हैं बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस। डरना नहीं, आप लोग बुक पढ़ोगे तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो ये सब टर्म से डरना नहीं है, है ना। हमको एक क्वेश्चन में मेरा आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज यहाँ है बाबू, यही वोल्टेज उठा के यही वोल्टेज बाबू यहाँ से पकड़ो, और ये मेरा ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वोल्टेज मेरा बाबू, वोल्टेज का देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंटवारा नहीं होता, सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है, ये ध्यान देना, हम आपको पता है ना बाबू। ठीक है ना, जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहे थे बाबू, तो जैसे मान लो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है बाबू मेरे। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी अगर है, ठीक है, तो ये 12 वोल्ट बाबू ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बंटवारा होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, अब तीनों को जोड़ के बाबू मेरा क्या होगा, टोटल 12 वोल्टेज आएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता, जो वोल्टेज ये सेल का होता वही वोल्टेज मेरा यहाँ पे भी आएगा, यही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, यहाँ यही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। सीरीज पैरेलल में ध्यान रखना, यहाँ पे देखो बाबू करंट मेरा क्या रहता है, यहाँ करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मेरा क्या रहता है, सभी सेम होते हैं, करंट का सीरीज कॉम्बिनेशन बंटवारा नहीं होता, क्योंकि करंट के पास क्या है, करंट जाने के लिए बाबू एक ही रास्ता है। लेकिन वोल्टेज बाबू क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो तीन रेसिस्टर है बाबू, तो जो वोल्टेज यहाँ है कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, इसके उल्टा फेनोमिनल होता है तुम्हारा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल यहाँ देखो करंट मेरा एक ही करंट रहता है ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहाँ क्या होता है, करंट मेरा क्या होता है बाबू, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे बाबू वोल्टेज मेरा क्या रहता है, यहाँ वोल्टेज मेरा क्या रहता है बाबू, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ वोल्टेज सेम रहता है, मतलब सीरीज में मेरा क्या होता है, करंट सेम रहता है, पैरेलल में बाबू करंट मेरा डिवाइड हो जाता, सीरीज में मेरा वोल्टेज डिवाइड हो जाता, और पैरेलल में मेरा बाबू वोल्टेज सेम रहता। मतलब क्या, जैसे यहाँ मान लो बाबू आई की वैल्यू अगर 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो इस रेसिस्टर में भी 5 एम्पीयर का करंट जाएगा, और चूंकि इसमें भी क्या जाएगा 5 जाएगा, और इसमें भी आपका कितना जाएगा 5 एम्पीयर का करंट जाएगा, थ्रू आउट मेरा सेम करंट जाएगा। ठीक, लेकिन वोल्टेज बाबू तक कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप, मान लो यहाँ मेरा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 4 9 और 3 कितना 12 हो जाएगा। तो ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये अगर 12 वोल्ट है तो इसके रेसिस्टर के क्रॉस भी मेरा 12 वोल्ट ही रहेगा, इस रेसिस्टर के क्रॉस भी 12 वोल्ट रहेगा, और इस रेसिस्टर के क्रॉस भी 12 वोल्ट रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज मेरा सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा करंट सेम होता है, अब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये दो को बेसिक डिफरेंस है दोनों में, है ना। ठीक है बाबू, तो इस टर्मिनल पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ठीक है ना, जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो यहाँ का वोल्टेज है, वही मेरा क्या होगा, यहाँ का आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आगे ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक बात को बाबू 5-6 बार बता दिए है ना, इसलिए बता दिए कि आप लोग मेमोराइज रहिए, मॉर्निंग का टाइम है। चलिए तो बाबू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ के बीच वोल्टेज ठीक है, तो वी ए बी बराबर कितना होगा बाबू, 12 वोल्ट होगा, जो यहाँ वोल्टेज होगा वही यहाँ वोल्टेज होगा। तो अब यहाँ अब इस रेसिस्टर को बाबू एक वोल्टेज हमको पता है, रेसिस्टेंस अगर पता है तो करंट हम लोग नहीं निकालेंगे, इसलिए बाबू आई वन की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, आई वन क्या, इस ब्रांच में जितना करंट जा रहा है वो, आई वन बराबर कितना हो जाएगा, वी वोल्टेज अक्रॉस ए बी टर्मिनल अपॉन कितना, वी बाई आर होगा, तो आर हो गया, है ना। इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, है ना, तो यहाँ के वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना, जो सप्लाई के वोल्टेज सेल का वोल्टेज रहेगा वो वोल्ट बटा क्या, इसका रेसिस्टेंस, है ना। तो वी ए बी की वैल्यू बाबू कितना है बताइए, वी ए की वैल्यू बाबू आपका कितना है, 12 है, 12 हो गया, आर की वैल्यू मेरे पास कितना, 4 है, तो ये मेरा आई वन की वैल्यू कितना, 3 टाइम्स बाबू आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। इसलिए बाबू तो इस तरह से बनाना, I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा, है ना।
इसे सिमिलरली इन द सेम वे बाबू I2 के अगर वैल्यू निकालना चाहे, I2 के अगर वैल्यू निकालना चाहे बाबू, तो क्या होगा, वोल्टेज वही होगा अपॉन क्या, रेसिस्टर है ना। तो I2 बराबर, I2 क्या, जो सेकेंड ब्रांच में जा रहा है करंट उसका मान है, उसको हमने एज्यूम किया I2, बराबर कितना बाबू 12 हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ के रेसिस्टेंस कितना है, 2 है, इसको सोल्व करो बाबू कितना आ जाएगा, 6 ओम, 6 एम्पियर आ जाएगा। आफ्टर देन बाबू I3 अगर निकालना चाहोगे, I3 निकालना चाहोगे तो इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज, यही वोल्टेज जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप होगा। तो डायरेक्टली लिख देते बाबू, ठीक है ना, डायरेक्टली लिख देते हैं। इसलिए इसलिए बाबू I2 मेरा कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा, थोड़ा छोटा में लिख देते हैं। सो बाबू I2 इक्वल टू 6 एम्पियर। इसलिए और नेक्स्ट बाबू I3 अगर निकालना चाहे, I3 अगर निकालना चाहे बाबू मेरे, तो I3 अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, VAB अपॉन R, यहाँ के सेल्स के पोटेंशियल कितना 4, 12 अपॉन R के वैल्यू कितना बाबू 1 ओम दिया, यहाँ 1 ओम दिया ना, तो कितना आ जाएगा 12 एम्पियर आ जाएगा, है ना, 12 एम्पियर। अब देखिए टोटल सम कीजिए तो बाबू 21 एम्पियर का करंट चला ना हमको यहाँ से, कितना चला सर 21 चला, है ना, तो 21 चला बाबू, तो ये तीनों ब्रांच का करंट भी ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा आपके पास, 50 रुपये, तो 85 रुपये हमने बटोगे जी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो यहाँ 21 चला बाबू, तो यहाँ पे यहाँ जितना करंट जाएगा, यहाँ जी इस ब्रांच में जितना जाएगा, इस ब्रांच में जितना जाएगा, तीनों का सम मेरा कितना होना चाहिए 21 होना चाहिए, है ना बाबू। तो देखो I3 की वैल्यू कितना आया, 12 आ गया, I3 मेरा कितना आ गया बाबू 12 एम्पियर आ गया, I2 की वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया, और I1 की वैल्यू कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया, है ना। ये बाबू I1 हो गया आपका, बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये बाबू आपको I2 हो गया, और नेक्स्ट बाबू I3 मेरा कितना हो जाएगा 12 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है ना। लिखिए किसको किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया पूछिए, बोलिए ना सर बाबू, आप अनम्यूट कर रहे हो। एक क्वेश्चन में बाबू मेरा हाफ आवर लग गया है ना, एक क्वेश्चन और समझाते हैं और उसके बाद होमवर्क देंगे। जिसको नहीं समझ में आया बाबू नेक्स्ट वाला में समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और अपने क्लास में जाते हो तो थोड़ा अपने फ्रेंड से शेयर करो कि इसे पढ़े हो, क्यों नहीं बताते बाबू, अपने फ्रेंड को बताओ, तो वहां वहां पे डिस्कस यही होगा कि हम लोग को नहीं पढ़ना भी है, ठीक है ना, टीचर यही बोलेंगे कि नहीं पढ़ना है, जब चैप्टर शुरू किया बाबू तो पढ़ाने में क्या जाता, आप लोग को समझ में आ रहा है तो पढ़ा रहे हैं। तो सर कहेंगे नहीं कि कौन से क्लास का बुक उठा कर ले आई है, कहिए ना कि लाना है। नहीं बाबू आप लोग के बुक में दिखाइए, बुक में है लेकिन थोड़ा कम है, आप लोग का जो साइंस का बुक है बाबू उसी में है लेकिन थोड़ा कम है, अभी हम बता देते हैं आगे आपको इजी हो जाएगा। सौम्या बाबू अच्छा, उसी से देख देख कर पूरा पढ़ा दी तो मैम, किससे देख के बाबू, मतलब आप जो कॉपी बनवाए फिजिक्स का लेकर गए फिर देखी मैम कि बहुत अच्छे से बताया हुआ है, सारा लिखवा दी कॉपी में अलग, तो अच्छी बात है ना बाबू, मेरा तो और नाम होगा ना कि चलिए सर का ये कॉपी हो रहा है, बढ़िया बात है ना बाबू, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, ठीक है ना, और तो अच्छी बात है सब, इसीलिए तो आपको सुंदर सब फेयर बनवा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टीचर को काम देंगे पढ़ाने में, देख के अपना पढ़ाएंगे, किसी का मेहनत कोई तो यूटिलाइज करेगा ना। चलिए लिख लिया ना सर, इरेज करते हैं बाबू, समझ में आया सौम्या बाबू। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, इरेज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ठीक है,
आप लोग डायग्राम बनाए बाबू, यही क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 डायग्राम बनाइए, डाटा चेंज करते हैं। ठीक है बाबू, ड्रा द डायग्राम बाबू। चलिए डायग्राम एक उसमें, चलिए ठीक है। देखिए पहले पिछला वाला में एक पॉइंट है बाबू, उसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, कैच है थोड़ा सा, क्या कैच था सर? ये बाबू मेरा कितना था, 4 ओम का रेसिस्टर था, ये 2 ओम का रेसिस्टर था और ये 1 ओम का रेसिस्टर था, फिर पीछे जा रहे था सब, बैक जा रहा है ना, ठीक है। इसमें बाबू मेरा करंट आया 3 एम्पियर का करंट आया, इसमें बाबू मेरा कितना आ गया, ये 6 एम्पियर का करंट आ गया, और इसमें बाबू मेरा कितना 12 एम्पियर का करंट आ गया। पीछे वाले क्वेश्चन में जो 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, उसी में थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम बता देते हैं ना, माने इक्वेशन करने के बाद हमको ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ बाबू, है ना, ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में ही है ना, फिर इसको हम इरेज करेंगे। तो देखिए बाबू थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ये तीनों बाबू रेसिस्टेंस की वैल्यू किसका ज्यादा है सर? इसका ज्यादा है, 4 ओम रेसिस्टर, 2 ओम रेसिस्टर, 1 ओम रेसिस्टर, विच रेसिस्टेंस हैज बाबू हायर वैल्यू? 4 ओम रेसिस्टेंस है हायर वैल्यू ना, तो बाबू जब 4 ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू बाबू हायर है, अब आप लोग देखिए थोड़ा सा, है ना, आई ओपन कीजिए, ठीक है ना। यहाँ बाबू 3 एम्पियर का करंट गया, यहाँ 6 एम्पियर का करंट गया, यहाँ 12 एम्पियर का करंट गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना, ठीक है सर, ठीक हो। तो जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू बाबू कम है, जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू बाबू कम है, उसमें क्या जा रहा है, ज्यादा करंट जा रहा है, ये बात समझो, समझो समझो एकदम, कैच है बाबू कैच है, ठीक है ना, कंसेप्ट। एग्जाम में आप लोग को जब इंजीनियरिंग और ये मेडिकल का एग्जाम दोगे, एंट्रेंस दोगे, तो यही सब पॉइंट उठा के पूछेगा, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, रेदर देन दिस टू रेसिस्टेंस बाबू, तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू बाबू सबसे कम है, तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ना। तो यहाँ से अगर एक पॉइंट लिखना चाहे बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, जिसका रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है ना, ठीक है ना, जिस ब्रांच में बाबू रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, उसमें मेरा क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, ज्यादा करंट फ्लो करता है बाबू, बात समझ में आया। देखिए यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, जो 4 और 1 के बीच में बाबू, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा बाबू, ठीक है ना, इसके इसके बीच में फ्लो करेगा, यहाँ मान लो यहाँ पे मेरा देखो कितना 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 12 एम्पियर का करंट है, ये 3 के बीच में, ठीक है ना, और यहाँ पे रेसिस्टेंस बाबू क्या है, सबसे ज्यादा, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा, तो इसमें करंट की मैग्नीट्यूड क्या आया, सबसे कम आया, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या बाबू, अपोजिशन, अपोजिशन मतलब क्या, कोई करंट जा रहा है, करंट जा रहा है बाबू, तो उसको पीछे से क्या करेगा, खींचने का काम करेगा। तो ये देखो, तो मेरा इसमें रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा क्या है वो, क्योंकि म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए बाबू, मेरे म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है, खटखट के बाजा रहे, है ना। तो यहाँ से बाबू अगर आप लोग डायग्राम बना लियो ना, तो कहीं एक छोटा सा स्पेस छोड़े होगा ना, वहां पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, है ना, एक कंसेप्ट करके लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है ना, ये आपको यूज पड़ेगा एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में यूज पड़ेगा, कंसेप्ट करके लिख लीजिए बाबू, ठीक है ना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, फिर में भी लिख लीजिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, ठीक है ना, ठीक है, हायर रेसिस्टेंस, ठीक है बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, हायर रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस का बाबू क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर रेसिस्टेंस, हायर रेसिस्टर, हायर रेसिस्टर बाबू कंटेन, कंटेन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, हायर रेसिस्टर कंटेन लोअर करंट, लोअर करंट बाबू, एंड भाई सुहर्ता, एंड बाबू भाई सुहर्ता, आगे हम लोग सब यही यूज करेंगे, भाई सुहर्ता मतलब क्या सर, बताते हैं, एंड बाबू वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या होता, ये सब बेसिक बेसिक शब्द होते हैं, है ना, ये सब आपको आना चाहिए। वाइस वर्सा मतलब बाबू, ठीक है, इसके अपोजिट भी सही है, मतलब क्या सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हायर रेसिस्टेंस है बाबू, उसका क्या रहता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना, हायर रेसिस्टेंस कंटेन बाबू, लोअर लोअर करंट, है ना, ठीक है ना, उसमें करंट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना,
एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या सर, जो लोअर रेसिस्टेंस होगा बाबू उसके पास करंट क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा, उसके पास करंट क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू हायर रेसिस्टेंस कंटेन, ठीक है ना, लोअर करंट एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या, जो लोअर रेसिस्टेंस है उसके पास करंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका एक प्लान लिख लीजिए आप, फिर देन बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटा छोटा पॉइंट है कंसेप्ट करके, ठीक है ना, ये सबको भूलना नहीं है। चलिए अब बाबू हम आगे बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन से आप लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हो, अगर मान लो एबीसीडी ऑप्शन है बाबू, ठीक है ना, और इस तरह से दिया जाए, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है ना, तो जिसकी रेसिस्टेंस कम होगा बाबू उसमें ज्यादा करंट जाएगा, तो जय माता दी अपना एबीसीडी कर दीजिएगा, सही हो जाएगा अपना, ठीक है। अब बाबू नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट क्या रहा बाबू, मान लो ये मेरे पास कितना 5 ओम का रेसिस्टर है, ये बाबू मेरा 3 ओम का रेसिस्टर है ना, और ये बाबू मेरा 6 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा बाबू, इसमें वही सी बात है, ठीक है ना, ये बाबू कितना हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा ना हमको, तो 30 ऊपर चला जाएगा ना बाबू मेरे, तो इसका, इसकी बैटरी के वोल्टेज कितना हम लोग ले लेते, चलो इसकी लो लेते बाबू 12 है ना, 12 के बाद 18 वोल्ट ले लेते, ठीक है ना। तो क्या करने का है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है ना, मतलब इसमें इसमें करंट की वैल्यू निकाले है ना। तो इसको हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद होमवर्क आपको देंगे, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, एक बार में नहीं समझ में आया बाबू समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, अगर इस तरह से कम्बिनेशन है तो सबसे पहले हम लोग आई निकालेंगे बाबू, सबसे पहले आई निकालोगे तब ना करंट को फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। यहाँ से कितना टोटल करंट जा रहा था, जब तक टोटल करंट ही नहीं निकालोगे तो यहाँ से कैसे बंटवारा करोगे, है ना, है ना, टोटल वेल्थ रहेगा बाबू तब ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पहले आई निकालिए, तो आई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये तीनों रेसिस्टर का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको बताया है ना। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू व्हाट वी हैव डू, ठीक है ना, ये आर ए बी निकाल लीजिए, 1/ आर ए बी, एक समझा देते, बहुत सारे स्टूडेंट है ना नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा सा तेज से बता देते हैं ना, उसके बाद बाबू आप लोग बनाइए, जो समझ गए वो बनाइए, जो समझ गए बाबू वो बनाइए, अपना अपने खुद से बनाइए, और जो नहीं समझे वो बोर्ड पे सीखिए, और जो खुद से बना रहे लास्ट में मिला लीजिएगा, बात बराबर हो गया, जो नहीं समझे वो सीखिए, जो समझ गए वो बनाइए, है ना, बात बराबर हो गया दोनों के लिए, है ना, ठीक है। तो आर ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 बाबू प्लस 1/3 और प्लस बाबू 1/6, इसका एलसीएम लीजिए, तो 5, 3, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 30 हो जाएगा बाबू, ये आपका 6 हो जाएगा, प्लस ये आपका 10 हो जाएगा, प्लस ये आपका 5 हो जाएगा, 10 5 15 और ये 6 कितना 21 हो जाएगा बाबू अपॉन 30, इसको तो कट कर सकते हो ना, ठीक है। तो 3 से 7 बाबू, 3 से 10 कितना हो जाएगा, 7/10 ओम का रेसिस्टर आ गया, है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको फुल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स मिला, है ना, ठीक है। तो 1/ आर ए बी है बाबू, तो इसलिए बाबू आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, कन्वर्ट करना मत भूलिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 10/7 ओम हो जाएगा, नहीं उलटिएगा, ऑप्शन पहला ही प्रेजेंट रहेगा। अब बाबू इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टर हो गया, ये तीनों के बदले हम लोग एक रेसिस्टेंस लाएंगे बाबू, कितनी ओम की, 10/7 ओम की, इसको हमने क्या किया बाबू, एक सेल से कनेक्ट किया, है ना, सेल की वोल्टेज कितनी है बाबू, 18 वोल्ट है, है ना। यहाँ से करंट चला बाबू, तो यहाँ से हमको आई की वैल्यू निकालिए, तो आई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू मेरे, नहीं समझ में आया, समझिए आप लोग, समझ में आ गया वो बनाइए, आई बराबर कितना होगा, V/R होगा, वी की बाबू वैल्यू कितनी है, 18 है, और आई की वैल्यू कितनी बाबू मेरे, 10/7 है, ये 7 ऊपर सेंड कीजिए बाबू, कौन खटखट कर, आइए आप लोग, बाप रे बाप, इतना इतना वीडियो बंद है बाबू, शैतान है सर, सबका अटेंडेंस काट देंगे, एकदम वीडियो ऑन करने में शर्म आता है, क्या आता है आप लोग को, 2 से काटिए बाबू तो कितना हो जाएगा, 9, 2 से काटिए 5 हो जाएगा, 9 7 जा 63 अपॉन 5 बाबू, 63/5
हाँ ना, तो ये इतना क्या आ गया, एम्पेयर आ गया, मतलब क्या सर इस ब्रांच में बाबू कितना एम्पेयर करंट जा रहा है, इस ब्रांच में बाबू करंट मेरा कितना जा रहा है, 63/5 एम्पेयर है ना। अब यहाँ पे 63/5 जा रहा बाबू, तो इसमें भी यहाँ से कितना चलेगा 63/5, अब उसको फिर डिवाइड करना, तो जल्दी से इसको लिखे बाबू, यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, जो बनाए वो मिलाइए, जो नहीं बनाए वो लिखे जल्दी से। हाँ बाबू बोलिए, ऋषभ बोलिए, ऋषभ बोल रहे थे कुछ, आप तो कभी कुछ बोलते नहीं हो। अनम्यूट कर लीजिए बाबू, किसी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है ना, अनम्यूट कर लीजिए, कौन है, शिवम है क्या, शिवम ही तो शैतान लगता है, चलिए जल्दी से लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने लगेंगे, फिर 7:30 बजे से क्लास रहता बाबू उड़ीसा वालों के लिए। सर इच ब्रांच में ना भेज तो उसका और आगे ना बनेगा। हाँ बाबू अभी और आगे बनेगा, यहाँ तभी लिखिए ना, तो यहाँ तभी यही आया ना, हमको I1 I2 की वैल्यू निकालना है ना, तो इसको लिखिएगा तब ना हम इरेज करेंगे। लिख लिए ना सर? हाँ वाह, अन्यथा देखो सबसे लो स्लो अन्यथा लिखती है, बाकी सभी लिखते हैं ठीक ठाक, तो इसीलिए अन्यथा से पूछते हैं। आप लोग बोलिए बार बार उसी से क्यों पूछते हैं, क्योंकि सबसे स्लो वही लिखती है। सर ऐसा नहीं है, जब मेरा हो जाता है पूछते हैं, हम बोल देते हैं हो गया, तभी कोई बोलता है, कभी कभी तो कोई बोलता है ना कि नहीं अभी मेरा बाकी है। हाँ बाबू हाँ, देखिए तो कितना एकदम क्यूट साउंड है ना, वाह बाबू। स्कूल कब से ओपन हो रहा है बाबू मेरे अन्यथा? सर अभी 20 को तो जाएंगे एडमिशन करवाने, तो खुल जाएगा सर 22 से। चलिए अच्छी बात है। हाँ बाबू, तो यहाँ पे मेरा करंट कितना आया बाबू मेरे, आई की वैल्यू कितनी आ गई सर, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गया बाबू मेरे 63/5 एम्पेयर आ गया है ना। अब यही 63/5 में इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस ब्रांच में भी जाएगा, इस ब्रांच में भी जाएगा, इस ब्रांच में भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन टोटल फिर सम निकालोगे तो 63/5 ही रहेगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं होगा। आफ्टर देन बाबू हम लोग कैसे करेंगे, तो I1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए, VAB की पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, जो 18 वोल्ट यहाँ आई वही वोल्टेज इसके इसके टर्मिनल के बीच में आएगा, क्योंकि बीच में कहीं रेसिस्टर नहीं है, रेसिस्टर नहीं है, बताएं कितना आएगा, ये 18 वोल्ट आ जाएगा है ना। आफ्टर देन बाबू I1 की वैल्यू निकालिए,